कहने को चीन और पाकिस्तान भिन्न देश हैं, भूगोल की दृष्टि से भी और संस्कृति की दृष्टि से भी, परंतु जब विचारधारा और भारत के प्रति घृणा की दृष्टि से देखें तो दोनों में अंतर करना असंभव है। एक समय पाकिस्तान भारतीयों को भयभीत करने के लिए एटम बम फोड़ने के नारे लगाता था, तो वहीं चीन भारत को 1962 के युद्ध की पराजय का स्मरण कराता था। लेकिन जैसे नेपोलियन के लिए वाटरलू और हिटलर के लिए स्टालिनग्राड पर हमला करना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बनी, वैसे ही चीनी तानाशाह माओ के लिए चू ला पर आक्रमण करना उनके जीवन की वो भूल थी जिसके कारण वो कभी भी किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे। लेकिन कैसे, जानेंगे TFI के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये कथा है चू ला के उस युद्ध की जिसने सिक्किम की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की और चीन के घमंड को भी मिट्टी में मिला दिया। आचार्य चाणक्य ने सही कहा था, जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देते हैं वो राष्ट्र समाप्त हो जाता है। अर्थात जो देश या राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो चीन बड़े चाव से हमें 1962 की पराजय का स्मरण कराता है वह स्वयं 1967 के दो युद्धों के उल्लेख मात्र से बगले झांकने लगता है, जिसने न केवल चीन का घमंड तोड़ा अपितु उसके क्रूर आक्रांता माओ ज़ेडोंग को कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा। 1967 से पूर्व सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था जिसकी सुरक्षा भारत के देखरेख में थी। सिक्किम की राजशाही भारत से वार्तालाप और भारत के विलय के पक्ष में अवश्य थी, परंतु चीन को यह कदापि स्वीकार नहीं था। चीन सिक्किम को अरुणाचल प्रदेश की भांति अपना ही हिस्सा मानता था और वह कूटनीतिक एवं सैन्य परिपेक्ष में सिक्किम के राजशाही पर दबाव स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। इसी बीच 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो चीन ने पूर्वोत्तर में अतिरिक्त मोर्चा खोलने की धमकी दी थी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से जेलेप ला और नाथू ला के दर्रों यानी माउंटेन पासेस को खाली करने का आदेश भारतीय सेना को दिया, जहां पर उस समय मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ भी तैनात थे। जेलेप ला से भारतीय सेना बिना विरोध के हट गई, परंतु नाथूला की कमान मेजर जनरल सगत सिंह के हाथों में थी, जो भली भांति इस क्षेत्र के रणनीतिक लाभ और इसे त्यागने के दुर्गामी परिणामों से परिचित थे। उन्होंने अपने वरिष्ठ अफसरों से स्पष्ट कहा कि वे चाहे तो उनका कोर्ट मार्शल करा लें, परंतु वे नाथूला नहीं छोड़ेंगे। ये मेजर जनरल सगत सिंह के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि भारत ने न केवल नाथूला में अपना मोर्चा बनाए रखा अपितु चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। 11 सितंबर 1967 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर भारतीय सेना ने एक निश्चित सीमा रेखा खींचने का निर्णय किया, परंतु चीन इसके पक्ष में नहीं था। इसके बाद मेजर जनरल सगत सिंह के आदेश पर नाथूला सेक्टर में 11 सितंबर 1967 को तारबंदी आरंभ हुआ। चीनी सेना बगैर किसी चेतावनी के जोरदार फायरिंग करने लगी। तब भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे, ऐसे में बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हो गए। इसके बाद जनरल सगत ने नीचे से तोपों को ऊपर मंगाया। उस समय तोप से गोलाबारी करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री ही दे सकता था। दिल्ली से कोई आदेश नहीं मिलता देख जनरल सगत ने तोपों के मुंह खोलने के आदेश दे दिए। इसे लेकर काफी हंगामा मचा, लेकिन चीनी सेना पर इस जीत ने भारतीय सैनिकों के मन में वर्ष 1962 से समाये भय को बाहर निकाल दिया। परंतु ये कथा वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। नाथूला से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और क्षेत्र है चोला, जहां पर चीन और भारत के बीच आए दिन हिंसक झड़प होती रहती थी। यहां पर जम्मू कश्मीर राइफल्स के 10वीं बटालियन यूनिट पहले से ही तैनात थी, जिसमें ड्यूटी रिलीफ करने हेतु 7x11 गोरखा राइफल्स की बटालियन मेजर कुलभूषण जोशी के नेतृत्व में वहाँ पहुँची थी। छंगू बेस कैंप में दोनों बटालियन का वार्तालाप 1 अक्टूबर को तय किया गया था और मूलभूत सुरक्षा के लिए 20 लोग चोला पर ही तैनात थे। चोला के संग्राम का मूल कारण सीमा रेखा पर स्थित एक पत्थर था जो करीब 30 इंच यानी 2.5 फुट ऊंचा था। भारतीयों के लिए वह पत्थर सीमा रेखा का हिस्सा माना जाता था, जबकि चीनियों के लिए वह एक पत्थर उनकी भूमि का हिस्सा था। इसी बीच 1 अक्टूबर को नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर लिंबू ने अनजाने में अपना पैर उसी पत्थर पर रख दिया। चीनी सैनिकों ने इस पर आपत्ति जताई और ज्ञान बहादुर से आपत्तिजनक भाषा में बात करने लगे। इतने में ही एक चीनी सैनिक ने ज्ञान बहादुर पर वार किया। गोरखा सिपाहियों से अपने वरिष्ठ अफसर का अपमान नहीं देखा गया और उनके साथ उपस्थित एक सिपाही ने उन पर आक्रमण करने वाले सिपाहियों का हाथ ही अपने खुखरी से काट डाला।
इसके पश्चात गोलियों की बौछार हुई और हर ओर बम गोले बरसने लगे तथा जय महाकाली आयो गोरखाली के सिंहनाद के साथ गोरखा वीर चीनी सैनिकों पर रुद्रगण के समान टूट पड़े। स्थिति बिगड़ते देख हवालदार देवी प्रसाद लिंबू ने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिखाया और कई चीनी सैनिकों को स्वतः ही धराशायी कर दिया, परंतु युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें उनके शौर्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था। दूसरी ओर चोला क्षेत्र में पॉइंट 15450 पर जब चीनियों ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया तो युवा अफसर लेफ्टिनेंट राम सिंह राठौर अकेले ही कई चीनियों से भिड़ गए, कई बार घायल हुए, परंतु उन्होंने अपने घावों के बारे में न सोचते हुए चीनियों को बाहर खदेड़ते रहे। अंत में वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु आरसीएल विशेषज्ञ हवलदार टीन जोंग लामा ने शत्रुओं पर गोलाबारी जारी रखी, जिसके लिए उन्हें बाद में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन सैनिकों का शौर्य व्यर्थ नहीं गया। पॉइंट 15450 को पुनः भारत को वापस दिलाने के लिए गोरखा राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की संयुक्त टुकड़ी ने रात को धावा बोला। अद्भुत साहस का परिचय देते हुए उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल महातम सिंह के नेतृत्व में पॉइंट 15450 पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया और चीनियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया। आज की स्थिति यह है कि चीन और कहीं से भी धावा बोल दे, परंतु चोला का नाम सुनते ही उनके हलक सूख जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल महातम सिंह को उनके शौर्य के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च युद्ध सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चोला में चीन की पराजय ऐसे समय पर हुई जब माओ ज़ेडोंग अपनी शक्ति के शिखर पर थे। उनका देश एक ऐसे देश से पराजित हुआ था जो सैन्य शक्ति दृष्टि से उनसे दुर्बल था और इस कारण से आज भी चीन 1967 के युद्ध के बारे में बात करने से हिचकिचाता है। पर यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस युद्ध का शौर्य इस देश के हर बालक को 1971 की भांति कंठस्थ होना चाहिए था, जिस चोला के विजय के बारे में देश के हर नागरिक को परिचित होना चाहिए था, वो आज भी उससे अनभिज्ञ हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे प्रयासों से ऐसे युद्ध और ऐसे ही वीरों की वीर गाथा से पूरा देश परिचित हो और उनके शौर्य को सभी नमन करें। वंदे मातरम।